मेरे लिए जीवन की इस अपरिमित अवधि के दौरान फल और मांस का अंतर मिट गया है और स्वाद अपना महत्व खो चुका है। मैं फलों के रस और पशुओं के रक्त का अंतर भूल चुका हूँ। जो आनंद मुझे किसी रसदार फल को चूसने में आता है, वही तृप्ति मांस के लोथड़े को कुतरने में मिल जाती है। मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक पीड़ादायक 5 अबोध बालकों की हत्या और निर्दोष उत्तरा के गर्भस्थ बालक के वध की उत्पन्न ग्लानी का दंश है। मेरे उसी दुष्कर्म के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे यह शाप दिया कि मेरे तन के घाव कभी नहीं भरेंगे और मैं इस सड़ी काया को लिए हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहूँगा। उन्होंने यह भी शाप दिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मेरी किसी व्यक्ति से बात नहीं हो सकेगी। मैं स्वयं जीवित होकर भी किसी सड़े गले शव से अधिक कुछ नहीं हूँ। यूं कहने को मैं चिरंजीवी हूँ, अमर हूँ, किंतु पूर्ण सत्य यह है कि मैं शापित हूँ, कलंकित हूँ और इस विशाल पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरे दुख को कम कर सके। यह मेरे अपशय की प्रकाष्ठा है कि समूची पृथ्वी पर आपको मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी हाँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं अभी जिंदा हूँ। अमूमन जीवन से बुरी तरह परेशान व्यक्ति भी मौत को सामने खड़ा देखकर उसे अपनाता नहीं बल्कि दूर भागता है। लेकिन अगर किसी को मौत से भी बदतर जिंदगी का आशीर्वाद मिला हो तो उसके लिए जीवन सिर्फ त्रासदी है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ऐसा ही एक पात्र है। इसके लिए अमृतत्व का आशीष ही जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया था। कभी ना सूखने वाले घावों, एकांकीपन और अनंत उपेक्षा ने अश्वत्थामा के जीवन को कितना त्रासपूर्ण बना दिया था, यह बात इस वीडियो में बेहद सूक्ष्म और प्रभावी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अतीत में संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था। इस बार हम अश्वत्थामा की सूक्ष्म और बेहद मानवीय दृष्टि से महाभारत की कथा सुना रहे हैं। अश्वत्थामा की दृष्टि इतनी ज्यादा तटस्थ है कि वह अपने पिता के पूरे जीवन में की गई गलतियों, क्रूरताओं को बेहद चुभने वाले अंदाज में बयां करता है। एक जगह वह कहता है कि एक दिन अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रभावित होकर भावावेश में द्रोण ने उसे यह वचन दे डाला, अर्जुन मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई अनन्य धुरंधर ना हो। यह वचन सुनने में बड़ा सुखद लगता है, किंतु इस कठिन वचन के अनुपालन के लिए द्रोण ने जाने अनजाने में कई अपराध भी किए और दुर्भाग्य से मैं उन सब अपराधों का साक्षी रहा हूँ। इसी तरह एक और जगह अश्वत्थामा कहता है, अपने पिता के स्वभाव में इतनी विषमताएं देखकर मैं दंग था। कोई व्यक्ति क्रोध, क्षमा और छल में एक साथ इतना पारंगत कैसे हो सकता है। गुरु द्रोण के पुत्र का ऐसा ही एक और बयान है, मैं अपने पिता की इस नई चाल से स्तब्ध रह गया। उन्होंने कर्ण के वस्त्रों को देखकर यह भांप लिया था कि वह किसी निम्न कुल का होगा। मेरे लिए यह आज भी रहस्य है कि मेरे पिता ने अर्जुन के लिए इतने अपराध क्यों किए। अश्वत्थामा की अपने पिता के लिए यह निर्मम तटस्थता असल में गहरी मानवीय दृष्टि की तरफ इशारा करती है। महाभारत के बहुत सारे पात्रों के जन्म से जुड़ी कई विचित्र कथाएं, मान्यताएं हमें जानने को मिलती हैं। ये अतार्किक लग सकती है लेकिन बड़ी दिलचस्प है। जैसे कि बिना किसी महिला के सिर्फ वीर स्खलन से ही बच्चे का पैदा हो जाना। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनका जन्म किसी स्त्री के बिना सिर्फ पुरुष के वीर से ही हुआ था। खुद अश्वत्थामा अपने पिता के ऐसे ही विस्मयकारी जन्म के बारे में बताते हैं। यह एक विचित्र संयोग है कि मेरे मामा कृपाचार्य की भांति मेरे पिता द्रोण का जन्म भी एक महान तपस्वी की उद्वेलित काम वासना के फल स्वरूप हुआ था। घृताची के उन्मत्त कर देने वाले यौवन ने भरद्वाज के तपोबल को प्रचंड अग्नि पर अपनी कामुकता का मंद व सुखद छिड़काव करना आरम्भ कर दिया था। कुछ ही क्षणों में घृताची को देखते देखते ही भरद्वाज स्खलित हो गए। स्खलन का एहसास होते ही भरद्वाज संभल गए, किंतु उनसे भूल हो चुकी थी। उन्होंने अपने ओजपूर्ण वीरे को धरती पर नहीं गिरने दिया और उसे यज्ञ पात्र में रख लिया। उनके यज्ञ पात्र का नाम द्रोण था। नियत समय पर उस पात्र में से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। महर्षि भरद्वाज ने
यज्ञपात्र के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम द्रोण रखा। उपन्यास इस मामले में बेहद अद्भुत हैं कि पूरी तरह धर्म और आस्था से समृद्ध होकर भी यह कई संदर्भों में वर्तमान से भी गहराई से जुड़ता है। आजकल के बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के लिए कैसे पूरी तरह यह समाज और व्यवस्था जिम्मेदार है, इसका सबसे सटीक उदाहरण अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा खुद बताता है कि कैसे युद्ध में हुई अनंत हिंसा ने उसके भीतर के मानवीय गुणों को पूरी तरह से खत्म करके उसको पशु जैसा हिंसक बना दिया। वह कहता है, 5 निर्दोष बालकों को निर्ममता से मार कर भी मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि में कोई विशेष कमी नहीं हुई थी। मुझे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मैंने उन्माद के क्षणों में कितने निर्दोष बच्चों, स्त्रियों और सैनिकों का संहार कर डाला। रक्त से सनी तलवार मेरे हाथ से इस तरह चिपक गई मानो वह मेरे शरीर का ही अंग हो। मुझे मन में सदा इस बात का संतोष एवं गर्व रहा कि मैंने दुर्योधन जैसे धूर्त व्यक्ति के साथ रहते हुए भी अपनी मानवता को कुलुषित होने से बचाए रखा था। परंतु उस घोर नरसंहार के बाद जब मेरा प्रमाद शांत हुआ तो मेरा सामना अपने ही व्यक्तित्व के एक नए और विकृत रूप से हुआ। क्या मेरे अंदर में व्याप्त मानवता और मेरा सद्भाव अमर्ष जनित भीषण हिंसा की भेंट नहीं चढ़ गए थे? मैं मनुष्य से राक्षस हो गया था। क्या सचमुच रणभूमि में सैनिकों को मारना और सोते हुए अबोध बालकों व महिलाओं की हत्या करना एक समान है? उस मंथन से जो गलानी का गरल निकल रहा है उसने मेरे तन और मन को ही नहीं अपितु मेरी आत्मा को भी विषाक्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।